बस कुछ महीने और, फिर हम भी इसी तरह ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, और उसके बाद फिर जॉब? हाँ, उसके बाद फिर जॉब। ओह आनिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सफीर नहीं आया? नहीं, और आएगा भी नहीं। क्यों? भाई मैसेज आया था उसका कि वो बीमार है। वैसे जब भी फीस का वाउचर आता है ना, बीमारी पड़ जाता है। तालीमी खर्चात बेचारा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अब तुम्हारी और मेरी तरह अमीर तो है नहीं वो। मजाक उड़ा रहे हो अपने दोस्त का? नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। मिडिल क्लास फैमिली का बैकग्राउंड है ना उसका। मेरा मतलब है कि नहीं, तुम्हारी इस बेतुकी बात का मतलब मुझे समझना भी नहीं है। और कल तुमने क्या कहा है सफीर से मेरे बारे में? मैं क्या कह रहा था? ये कि मैं यूनिवर्सिटी से चली जाती हूँ तो सब कुछ खाली खाली लगता है। किस चक्कर में हो तुम? चक्कर? कैसा चक्कर? मैं तो बस तुम्हें मिस कर रहा था एज अ फ्रेंड। नहीं, एज अ फ्रेंड तो ठीक है, लेकिन मुझे दोस्तों में भी ऐसा मजाक करना नहीं पसंद। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अच्छा, मैं सफीर की खैरियत मालूम करने जा रही हूँ, तुम्हें नहीं चलना? नहीं, मेरी क्लास है। ठीक है, बाय। दोस्तों से ऐसी बातें पसंद नहीं। ये बोलो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं तो दिल करता है कि पढ़ाई छोड़ दो। फजूल बातें मत करो, अगर तुम्हारे अब्बू सुनेंगे तो बहुत बुरा लगेगा उनको। और वैसे भी ये आखिरी सेमेस्टर है जहाँ इतना सफर तय हो गया। ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह, बस तुम ज्यादा सोचो मत। लो, लगता है तुम्हारे अब्बू आ गए। फौरन उठ जाओ, अगर वो देखेंगे ना तुम्हें इस तरह तुम्हारा लटका हुआ मुंह, तो बहुत दुखी होंगे। तुम्हें पता है ना कितना प्यार करते हैं वो तुमसे। चलो उठो मेरे बच्चे, शाबाश। आता थैंक यू। सफीर कैसा है आंटी? सफीर वैसे तो ठीक है, बस उसके सिर में दर्द रहता है। पढ़ाई भी तो इतनी मुश्किल करता है। हाँ, पढ़ाई तो काफी मुश्किल है। अरे हनिया, तुम? हाँ, वो आंटी बता रही है कि तुम आजकल इतनी कोई मुश्किल पढ़ाई कर रहे हो कि तुम्हारे सर में दर्द हो गया। मैंने कुछ गलत कहा? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये इतना लायक है कि पढ़ाई जैसी चीज़ इसको इफेक्ट नहीं कर सकती। ज़रूर कोई बड़ी बात हुई होगी।